पथ की एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 27 मार्च को बसपा अध्यक्ष मायावती ने बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27 मार्च को मायावती ने बैठक बुलाई है। बहन जी की बैठक 27 मार्च को होगी, जिसमें बसपा में बड़ा बदलाव होगा। चुनाव में हार की समीक्षा करेंगी मायावती, बसपा की अध्यक्ष। समीक्षा बैठक के बाद एक बड़ा बदलाव होगा। सुबह 10:30 बजे लखनऊ बसपा दफ्तर में ये बैठक बुलाई गई है, यानी कि कल के दिन ये बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होनी है। महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन देखने को मिला वो निंदनीय है, क्योंकि बसपा के हाथ कुछ भी नहीं लगा, केवल एक सीट बसपा के हाथ आई। ऐसे में बहन जी ने कल सुबह 10:30 बजे ये बैठक बुलाई है। बीएसपी के लखनऊ दफ्तर में ये बैठक होगी, जिसमें चुनाव में हार पर मंथन होगा। मंथन के बाद बहुजन समाज पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद अब मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, जहां पर बीएसपी दफ्तर में कल 10:30 बजे बैठक बुलाई गई है, जिस पर चुनाव में मिली हार पर मंथन होगा। इससे पहले आपको याद दिला दें, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से जो प्रदर्शन रहा था विधानसभा चुनावों में, मायावती का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, सिर्फ एक सीट आई। फिर बहन जी ने आदेश दे दिए थे कि कोई भी बीएसपी का प्रवक्ता किसी भी टीवी डिबेट में नहीं बैठेगा, और यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के भी बीजेपी के साथ मिले होने के आरोप लगाए थे। तो बड़ी खबर, लेकिन फिलहाल इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद आपको बताएं कि अब मंथन का दौर शुरू होगा, और मंथन करेंगी बसपा की सुप्रीमो मायावती कि आखिर कैसे प्रदर्शन इतना खराब रहा। यहां तक कि दलितों का कोर वोट बैंक हमेशा से बीएसपी का माना जाता था, लेकिन इस बार दलितों का कोर वोट बैंक बीजेपी के खाते में पूरा जाता हुआ नजर आया। पिछली बार 2017 में फिर भी मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ किया था, लेकिन इस बार प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, मानो जैसे कोई अस्तित्व ही ना रह गया हो बीएसपी का। ऐसे में अब चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में आ गई है, और एक्शन मोड में अब मंथन का दौर शुरू होगा।